आपका अपना देविंदर सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूँ एक नया वीडियो लेके। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो होटल बुकिंग के ऊपर है वो कनाडा का टूरिस्ट वीजा क्यों मिलता है, उसका मैंने उसमें अलग अलग तीन वेबसाइट्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसको खोल के मैंने उस पर सारा डाटा दिखाया था कि क्यों आपको होटल बुकिंग पे कनाडा का टूरिस्ट वीजा मिलता है। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो मैंने एक बुक के बारे में बनाया, इसमें मैंने ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीजा है जो जिसको हम सब क्लास 600 वीजा भी कहते हैं, उसके ऊपर मैंने एक बुक लिखी है जो मैंने पब्लिक डिमांड के ऊपर लिखी है। पहले मैंने जो बुक लिखी है कनाडा टूरिस्ट वीजा के लिए, कनाडा वर्क परमिट के लिए जो बुक लिखी है, उसके ऊपर आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो उन्हीं लोगों के डिमांड के ऊपर, जो व्यूअर्स हैं उनके डिमांड के ऊपर, मैंने ऑस्ट्रेलिया के टूरिस्ट वीजा के ऊपर भी एक बुक लिखी है। और ये बुक मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ आपको, ये वाली बुक है। तो इसमें मैंने जो है सारे डिटेल्स दिए हुए हैं कि आपने अपना ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीजा कैसे लगाना है। इसमें मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगा जो इस बुक में कवर किए गए हैं। द्वारा आप अपनी फाइल अपने आप बना के आप अपलोड कर सकते हैं और अपना टूरिस्ट वीजा ले सकते हैं। तो चलो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो ये है कि इसमें मैंने ये बताया हुआ है, और सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपने जो इसके साथ लगाने हैं उसकी लिस्ट दी हुई है, और जो डॉक्यूमेंट्स उनके स्पेसिमन भी मैंने दिए हुए हैं। स्पेसिमन मतलब सैंपल भी दिए हुए हैं कि आपने इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बनाने हैं, उसका सैंपल भी दिया हुआ है सभी डॉक्यूमेंट्स का इसमें। तो जिसको देख के आप अपने आप को सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे कर सकते हैं और उस तरह के डॉक्यूमेंट्स अपने बनवा सकते हैं, जैसे सीए सर्टिफिकेट है, लीव लेटर है, एनओसी लेटर जो आपने लेनी है उसका भी सभी का इसमें सैंपल है या स्पेसिमन है वो मैंने दिया हुआ है। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट पे। इसमें मैंने ये मेथड सारा जो डिटेल बताया हो कि आपने ईमी अकाउंट कैसे बनाना है और उसके बाद आपने एप्लीकेशन को कैसे फिलअप करना है और उसमें क्या क्या डिटेल देने हैं, वो सारा सैंपल बना के मैंने इसमें दिया हुआ है। तो आप इसको फॉलो करके अपना ईमी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाके, और अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है भर सकते हैं बिल्कुल इजीली इस बुक को पढ़ के, और अपना जो वीजा वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि इस बुक में मैंने जो एप्लीकेशन में सारी इन्फॉर्मेशन जो देनी है उसके बारे में भी सारी डिटेल हम मैंने दी हुई है आपको। पूरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भर के बताया हुआ कि इस तरह आपने भरना है और उसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ आपने लिखनी है और कैसे कैसे उसको भरना है। अब इसके बाद चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। तो इसमें मैंने आपको सारे फॉर्म्स बताए हुए कौन कौन से फॉर्म आपने भरने हैं और वो कैसे अपलोड करने हैं अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में। तो हर तरह की इसमें डिटेल दी हुई है, यहाँ तक कि कौन से फॉर्म भरने हैं और कैसे भरने हैं ये भी इसमें बताया हुआ है। तो इसके बाद हम चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। तो फिफ्थ पॉइंट में मैंने ये बताया हुआ कि इसमें आपने जैसे एप्लीकेशन जब आपने भर दी है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लिए हैं और सारे डिटेल्स आपने इसमें फिलअप कर दिए हैं, और उसके बाद कैसे आपने अपनी फीस सबमिट करनी है। देखिए जो फीस है वो क्रेडिट कार्ड से पे होगी, ऑनलाइन पे होती है, इसमें जो सारा प्रोसेस है वो ऑनलाइन है। और कैसे आपने क्रेडिट कार्ड से अपनी फीस पे करनी है, उसके बाद जो रिसिप्ट आती है वो आपको आपके ईमी अकाउंट में ही आ जाएगी रिसिप्ट। आप उससे आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन है फॉर्म वो सबमिट हो गया है। तो इस तरह मैंने ये बुक को बड़ा डिटेल्ड बनाया है और आपके फायदे के लिए बनाया है, और इससे आप इजीली अपना वीजा घर बैठे लगा सकते हैं। और जो ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीजा है ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस होता है और इसमें आपको बायोमेट्रिक्स देने की भी जरूरत नहीं होती, और ये ई वीजा होता है ये आपके ईमेल अकाउंट में, जैसे ही आपका वीजा अप्रूव होगा आपके ईमेल अकाउंट में जो ई वीजा आपके अकाउंट में आ जाएगा और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट लेके आप साथ में जा सकते हैं। तो ये इस बुक की जो कीमत है वो सिर्फ 600 रुपये है। देखिए जो जितने भी वीडियोस बनाई जा रही हैं यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे, उसमें जो एजेंट एजेंट है वो काफ़ी पैसे मांगते हैं और आप लोगों का भी पैसा काफ़ी ख़राब होता है। आप अलग अलग एजेंट के पास जाते हैं, कोई कुछ स्टोरी बताता है, कोई कुछ तरीका बताता है, तो सभी के को आप जब चेक करते हैं, आप जब भी किसी के थ्रू जाते हैं तो आपके पैसे लगते हैं, वो पैसे आपके वेस्ट भी चले जाते हैं। तो इसलिए अगर उस चीज़ को, उस वेस्टेज को बचाने के लिए आप ये बुक ले सकते हैं। इसकी कीमत सिर्फ 600 रुपये है, 600 रुपीज ओनली है इसकी जो प्राइस है। तो इसको आप
गूगल पे से भी पे कर सकते हैं, पेटीएम या फोन पे भी पे कर सकते हैं। तो मेरा जो गूगल पे और फोन पे और पेटीएम नंबर है जो इस वीडियो की स्क्रीन पे आ रहा है, तो आप उसको नोट कर लीजिए, आप उस पे आप पेमेंट कर दीजिए, और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये बुक बाय पोस्ट रजिस्टर्ड पार्सल या कोरियर के द्वारा आपके एड्रेस पे भेज दूंगा। और अगर आप इसकी ऑनलाइन कॉपी भी चाहते हैं तो वो भी मैं आपके व्हाट्सएप नंबर या आपके ईमेल पे भेज दूंगा, तो वो पीडीएफ फॉर्म में आप ले सकते हैं और वो इमीडिएटली आपको मिल जाएगी। तो अगर आप प्रिंटेड कॉपी चाहते हैं तो वो मैं आपको रजिस्टर्ड पार्सल या कोरियर के द्वारा आपके एड्रेस पे भेज दूंगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको इसमें कुछ नई बातों का पता लगा होगा और मेरी बुक के बारे में पता लगा होगा, जो कि आपको बहुत फायदेमंद होने वाली है, आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। तो इससे क्या कि आपको नॉलेज मिल जाता है, आपको पता लग जाता है कि फाइल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर आपने खुद भी फाइल लगानी है तो खुद भी लगा सकते हैं, अगर आप किसी एजेंट के पास भी जाएंगे तो ये बुक पढ़ के जाएंगे तो आपको ये नॉलेज हो जाएगी कि जो एजेंट है वो सारी बातें सही बता रहा है या कोई आपको चीट करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया, आपको सच में इससे कुछ नॉलेज मिली है, तो आप इसको अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर आप मेरे वीडियो पे आज पहली बार ही आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस की जो इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन है सबसे पहले मिल सके। इसके बाद अगर माइंड में आपके कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप जो मेरा जो मोबाइल नंबर आ रहा है स्क्रीन पे, आप उस पर फ़ोन करके मेरे से अपने क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप अपना क्वेश्चन या डाउट है कोई भी, वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालेंगे तो मैं उसका भी आंसर आपको ज़रूर दूंगा। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ, कि अगर आप अपनी कनाडा टूरिस्ट वीज़ा की फाइल या ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा की फाइल है या किसी भी टूरिस्ट वीज़ा की फाइल है, जो किसी भी टूरिस्ट वीज़ा की फाइल है, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप जो मेरा ये मोबाइल नंबर आ रहा है स्क्रीन पे, आप उस पर फ़ोन करके मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करके मेरे को ऑफिस में भी मिल सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है जिसमें मैंने सारे आपको और डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है, जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं, किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज़ ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफर से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कौन कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज़ ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफर के द्वारा भेज सकते हैं, और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूंगा। इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में ऑफर देता हूँ आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, कि अगर आप कनाडा के टूरिस्ट वीज़ा की फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसके आप उसके ऊपर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस आ सकते हैं और अपनी फाइल जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो, ओके बाय।